वेलकम यू ऑल, आप सबका स्वागत है आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आप सबसे शेयर किया दो अच्छी खबर, एक कि सऊदी कॉन्सुलेट मुंबई के ओपन होने के रिगार्डिंग एंड सेकंड सऊदी अरब में हालात की बेहतरी के रिगार्डिंग। वहाँ पे अब हालात नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं और रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल्स खुलने लगे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है एंड ऑल, सो उसी हवाले से एक इन कंटिन्यूएशन टू दैट वी गॉट वेरी गुड न्यूज़ यस्टरडे इवनिंग ओनली और यस्टरडे इवनिंग और आफ्टरनून वॉट एवर इट इज़। तो उस पर हमने सोचा कि आपको अपडेट किया जाए और ये ऐसी खबर है जिसका हम सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। वो सारी कंपनीज जो सऊदी अरब में बिजनेस करती हैं, वो सारी कंपनीज जो वो सारे कैंडिडेट्स जो सऊदी अरब में जाना चाहते हैं अपने बेहतर करियर के लिए, या बहुत सारे लोग जो इंडिया आए हुए हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं वाया ओमान और वाया नेपाल या वाया बहरीन, जाने में उन्हें काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दुबई गए थे, दुबई से सऊदी जाने की जिनकी कोशिश थी लेकिन फिर सऊदी गवर्नमेंट ने दुबई को बैन कर दिया, तो वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, काफ़ी सारा पैसा बर्बाद हुआ और वो लोग वापस उन्हें आना पड़ा। तो इसी सब के हवाले से और फ्लाइट से रिलेटेड जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आई है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं करना चाहते हैं। और इस खबर को शेयर करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और किन सब्जेक्ट्स पे आप हमसे कमिंग वीडियोस में अपडेट चाहते हैं। और दूसरा, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा या वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारा मकसद है इस चैनल के साथ जो हमने शुरुआत की है, आप सब जानते हैं कि आस्था कंसल्टिंग अप्रूव्ड हायरिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम चाहते हैं कि इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पे डेवलप करें कि जो भी जॉब सीकर जो मिडिल ईस्ट में जो कल जॉब देख रहा है या इवन इंडिया में देख रहा है, क्योंकि इंडिया में भी हमारे डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट में भी हम करते हैं, तो उनकी कोई भी क्वेरीज है जॉब के रिगार्डिंग या करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग या डिग्री डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के रिगार्डिंग या वीज़ा प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकें। सो इसी बातों के साथ अपने बातों को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। जो सबसे अच्छी खबर आ रही है, जिस खबर का हम लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, जितनी भी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कंपनीज जो सऊदी अरब में रिक्रूटमेंट करती हैं और सारे कैंडिडेट जो नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग वीज़ा पे इंडिया है जिनको ट्रैवल बैक करना है, उन सब के हवाले से ये खबर बहुत इम्पॉर्टेंट और खुशी का बायस है। हम सब बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं इस खबर को जानकर। तो खबर क्या है समझते हैं। खबर ये आई है गल्फ न्यूज़ और काफ़ी सारे न्यूज़ सोर्सेज ने इस न्यूज़ को कंफर्म किया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है सऊदी अरब की, उन्होंने भी उनकी बॉडीज़ ने ये कंफर्म किया है कि 31 मार्च, आई एम रिपीटिंग, 31 मार्च 2021 से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट नॉर्मलसी की तरफ जाएगी। दैट मींस कि जैसे पहले फ्लाइट चलती थी सारी कंट्रीज़ की सऊदी अरब में बिना किसी पाबंदी के रोक टोक के आती जाती थी, तो वो नॉर्मल फ्लाइट रिज्यूम होने जा रही है 31 मार्च से। आई एम रिपीटिंग, 31 मार्च से ये चीज़ें आपको नॉर्मलसी की तरफ रिज्यूम हो रही है। और इन सारी न्यूज़ का जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी क्लिक करके इस हवाले से जो न्यूज़ है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे भी आप ये इन्फॉर्मेशन को या इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने वेल विशर्स, अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अब ये खबर आने से एक फ़ायदा ये है कि जिनको अब सऊदी ट्रैवल करना है तो वाया ओमान या वाया बहरीन या नेपाल जाने की परेशानी उठाने से बेहतर ये है कि 2 हफ्ते वो और वेट कर लें और कम पैसों में, कम और काफ़ी कम मेहनत में वो डायरेक्ट जा पाएंगे। अभी क्या है, इंडिया से जाना है, 15 दिन क्वारंटाइन होना है, कई बार कोविड टेस्ट कराना है एंड देन ओनली यू कैन ट्रैवल। तो इसमें सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, 15-16 दिन जो आप वहाँ स्पेंड करेंगे वो 15-16 दिन की जो रैगिंग है
आप उससे भी बच पाएंगे। वो 15-16 कीमती दिन आप ओमान और बहरीन और नेपाल में बिताने से अच्छा है वो आप अपने परिवार के साथ अपने घर पे रहकर बिताएं, वो बेहतर है। तो हमारा मशवरा ये है कि अगर आप वेट कर सकते हैं, सो 2-3 हफ्ते की बात है, आप वेट कर लें और उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट से आप सऊदी अरब जाएं, ये बेहतर है। तो अब इन कंटिन्यूएशन टू माय यस्टरडे वीडियो, जिसमें हमने आपको अपडेट दी थी वीज़ा के रिगार्डिंग, मुंबई कॉन्सुलेट के ओपनिंग होने के रिगार्डिंग, तो काफ़ी लोग ये खबर ये इंक्वायरी कर रहे थे कि भाई वीज़ा स्टैम्पिंग, पहले मैंने आपको दिल्ली एम्बेसी के रिगार्डिंग अपडेट दिया कि वो खुल गई है, फिर मुंबई कॉन्सुलेट खुलने वाली है जो हमें हमारे इंटरनल सूत्रों से पता चला है, तो मैंने आपको उस बारे में जो अपडेट दी, तो काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरी आ रही थी कि भाई वीज़ा आप स्टैम्प करा दो, वीज़ा का हम करेंगे क्या, जाएंगे कैसे, जाने के लिए तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो ये उन सारे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आप वीज़ा भी स्टैम्प कराएंगे और डायरेक्ट फ्लाइट से आप सऊदी ज्वाइन करने जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। हम सब इस खबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आस्था कंसल्टिंग के भी कई सारे क्लाइंट्स हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस हमारा है सऊदी अरब के अंदर में, और काफ़ी सारे लोग जो हमें जॉब के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे थे अलग अलग पोजिशन के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फैसिलिटी मैनेजमेंट, रिटेल, तो इन सारी इंडस्ट्री से लोग हमें काफ़ी बड़ी तादाद में कॉन्टैक्ट कर रहे थे, उनकी काफ़ी सारी क्वेरीज थी। सो ये तो फ्रेंड्स ये सबसे अच्छी खबर है। लास्ट 2 डेज में हमने आपको कई सारी लेटेस्ट अपडेट दी है, और अगर आप आगे किसी और सब्जेक्ट के ऊपर हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिला झिझक आप हमसे वो सवाल करें, हम आपको ये बताकर काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। और जाने से पहले हम आप सबसे एक बार फिर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और उनकी जॉब से रिलेटेड किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो डिग्री को या सर्टिफिकेट को टेस्ट कराना चाहते हैं, वीज़ा अगर उनके वीज़ा से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए, या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए, या कोई करियर काउंसलिंग चाहिए, उनमें हम पूरी पूरी उनकी मदद कर सकते हैं और हम सब मदद करके काफ़ी खुशी महसूस करेंगे, यही आस्था का ऑब्जेक्टिव भी है। सो इसी सब बातों के साथ अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।